और सूरजपुर में लापता भाजपा नेता का शव मिला है। लापता भाजपा नेता का टुकड़ों में शव मिला है। भाजपा नेता को गोली मारने की आशंका थी। ग्राम विशालपुर के रेडी पहरी चौक पर शव मिला है। भारी संख्या में पुलिस मौके पर तैनात है। पुत्र ने थाने में FIR दर्ज कराई थी। तो बता दें आपको, लापता भाजपा नेता का शव मिला है। लापता भाजपा नेता का टुकड़ों में शव मिला है। भाजपा नेता को गोली मारने की आशंका थी। ग्राम विशालपुर के रेडी पहली चौक पर यह शव मिला है। अधिक जानकारी के लिए इरशाद अहमद हमारे साथ जुड़ गए। इरशाद, क्या कुछ है ये पूरा मामला और टुकड़ों में शव मिला, आखिर इतनी दुश्मनी किससे थी और क्या कुछ पूरी जानकारी इस बारे में? जी बताना चाहूंगा जी की, फिर मामले को देखा जाए तो जिस तरह से सर तक की जो लाश मिली है, तो जो लाश मिली उसको देख के पूरा अंदाजा लगा रहा है कि 3 दिन से लापता भाजपा के नेता तो उनका ही हिस्सा हुआ है। फिलहाल पुलिस वहां मौके पर उनके सर को ढूंढने में लगी हुई है और कहा जा रहा है कि जमीन विवाद ही मुख्य कारण बताया जा रहा है कि जमीन विवाद के कारण इस तरह से हत्या की गई है, जिसको लेकर पूरे क्षेत्र में एक सनसनी भी फैली हुई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई और किसी पर शक जताया गया है। और कितने टाइम से लापता थे और अब शव मिला है? जी पिछले 3 दिनों से लापता थे, जिससे पुलिस टीम बनाकर पूरे छानबीन खोजबीन करेगी और कुछ सहयोगियों को हिरासत में भी लेते, हिरासत में जिनको लिए पूछताछ के लिए लिया गया था उनके ही निशाने दे पे वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं और शव को बरामद किया। फिर फिलहाल अभी पुलिस का मेन कहना है कि हम जब तक सर उन्हें ढूंढ लेते जब तक अभी कुछ कहना पड़े वो खुलासा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो उनके परिजन है और जो गाँव वाले, उनका कहना है कि जो भाजपा नेता सिन्हा उनका ही है शव है। और उसके बाद फिलहाल पुलिस मुख्य कुछ छानबीन कर रही है और मामले की जाँच कर रही है। आप बता रहे जमीन से जुड़ा कुछ मामला था, उस वजह से ऐसा हो सकता है, तो जमीन से जुड़ा हुआ और भी कुछ लोग जुड़े हुए होंगे उससे, क्या उनसे पूछताछ की जा रही है, उन्हें थाने ले जाया गया है? जी कई लोगों के पुलिस ने हिरासत में रखा है और पूछताछ कर रही है। और इसमें पुलिस का ये भी कहना जिस सूत्रों से पता चला कि 2 लोग इसमें मुख्य आरोपी हो सकते हैं, जो जिनका जमीन विवाद इनके कई सालों से चल रहा था, जो वहाँ के हैं और उनसे पुलिस पूछताछ करी और उनके निशानदेह पे ही शव को बरामद की है। चलिए बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।